तो चलिए दोस्तों 3.1 का जो है सवाल नंबर दूसरे का दूसरा इसकी बात करते हैं। सवाल ये है कि निम्नलिखित रेडियन माप को जो है डिग्री के संगत डिग्री माप में बदलिए। डिग्री में बदलना है माइनस चार को बदलना है डिग्री में। मैंने आपको सूत्र बताया था कौन सा वाला सर, ये वाला कि डिग्री में बदलने के लिए क्या होता है फॉर्मूला 180 बटेवा पाई और इंटू आर। देखिएगा ध्यान से, 180 बटेवा पाई और पाई का मान क्या है सर, 22 बटेवा 7 है, ये 22 बटेवा 7 लिख दिया इंटू आर। डिग्री रेडियन में मान कितना दे रखा है, माइनस चार दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 180 इंटू माइनस का तो 4, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये इंटू क्या हो गया 7 और 22 कहाँ आ जाएगा बटेवा में। 2 से काट दो, 2 बार कटेगा, 2 से काटा कितनी बार कटा, 11 बार कटा, ठीक है। अब इनको गुणा करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 180 360, और 360 को गुणा करवा दो 7 से तो ये हो जाएगा 0, 7 6 42 के 2 हासिल के 4 और 7 3 21 और 22 23 24 25, ये 25 और माइनस का ले लिया आगे और बटेवा में कितना चल रहा है, 11 चल रहा है। माइनस के 2520 और बटेवा में 11, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अपन ने कहा रेडियन में डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे और पाई इंटू आर लगता है, ये वो का वही मान है और पाई का मान 22 बटे वा 7 और आर का मान माइनस 4 था, ठीक है सर। अब बटेवा वाला कहाँ चला जाएगा, इंटू में, ये दो पहले थे एक और आ गया, बटेवा बच गए 22, दोनों को काट दिया 2 से, 2 से काटा इसको 2 बार और इसको काटा 11 बार, ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा हो गई तो 2520 आ गया और बटेवा में कितना बच चुका है, 11 बच चुका है। फिर ये माइनस था तो माइनस आगे ले लिया। अब 11 का भाग इसमें लगा दो, आप कैसे लगाते हैं तो देखिएगा, इधर माइनस चल रहा है, चलने दो, 11 का भाग लगाओ इसमें, 11 दूनी 22 23 24 25, 3 बचा तो कितना हो गया 32 हो गया, फिर 11 दूनी 22 और कितना बच रहा था 32 बच रहा था, तो कितना शेष बचा 10 बचा, 10 बचा तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 में 11 9 99, और फिर बचा क्या सर, 1 बचा और बटेवा में कितने बच गए 11। ये किस में है सर, डिग्री में आ गया, यहां तक तो समझ में। अब लगाते हैं पिछला वाला, 11 का भाग जितनी बार गया उतनी बार लगा लिया, जितना शेष पर बचा उसको ऊपर लिख के बटेवा में 11 लिख दिया, माइनस के 229 डिग्री, इसको फिलहाल ऐसे ही चलने दो, कैसे चलने दो इसको डैश लगाऊं, हाँ प्लस में चलने दो, ये कोष्टक बाहर चलने दो माइनस को। अब जरा मतलब यूं, ये माइनस में चल रहा है ना तो ये भी माइनस में चलेगा, तो या तो फिर कोष्टक में बंद कर दो, माइनस को बाहर चलने दो और अंदर संख्या लिख दो 229, फिर लगा दो प्लस 1 बटेवा 11। मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो ये 1 बटेवा 11 डिग्री है, तो इसको किससे गुणा करवा दो 60 से और आंसर किस में आ जाएगा, आर्क मिनट में आ जाएगा। लीजिए माइनस 229 डिग्री प्लस 1 इंटू 60 आर्क मिनट क्या होगा 60 और बटेवा में 11, ये 11 से इसको काटो, माइनस कोष्टक 229 डिग्री प्लस 11 5 55, तो कितना हुआ 55 आर्क मिनट हुआ और बचा क्या सर, 11 5 55 और यहां पे है 60, तो कितना बचा 5 बचा, तो जरा सोचो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 बटेवा 11 आर्क मिनट, ये वो का वही है सर, प्लस का प्लस और 11 का भाग लगाया 5 बार गया, शेष पर 5 बचा तो 5 और बटेवा 11 आर्क मिनट में चल रहा है, तो आर्क मिनट। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस 229 प्लस 5 को तो मैं लिख दूं अलग और प्लस लगा दूं फिर और 5 बटेवा 11, एक आर्क मिनट में जो है 60 क्या होते हैं, आर्क सेकंड होते हैं, एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, तो 5 बटेवा 11 में कितने होंगे, 5 बटेवा 11 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, डबल निशान आ जाएगा यानी आर्क सेकंड आ जाएगा। लीजिए माइनस 229 प्लस 5 6 कितने हो गए 30, यानी कि 300 और बटेवा में कितने आ गए 11 और ये आर्क क्या हो गया सेकंड, ये आर्क सेकंड में चल रहा है, कोई दिक्कत क्या, 300 के अंदर 11 का बराबर में से बराबर भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, अगर बराबर में से बराबर नहीं जा रहा है तो नहीं लगाना है माइनस का, तो माइनस 229 तो डिग्री और 5 आर्क मिनट और 300
आर्क सेकेंड और बटेयों में क्या आ जाएगा 11। ये अपना हो चुका है सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। माइनस चार था, ठीक है, माइनस चार था, इसको अपन ने चेंज कर दिया, फॉर्मूला लगा के 180 बटेवा पाई, पाई का मान 22 बटेवा 7, आर रेडियन में मान दे रखा माइनस चार क्योंकि डिग्री में बदलना है, बटेवा वाला 7 चला गया इंटू में, दोनों का गुणा करवा लिया, तीनों का, दो से काटा इसको 11 बार, इसको काटा दो बार, 7 2 और 180 को गुणा करवाए माइनस के 2520 आ गए और बटेवा में 11 चल रहा है। 11 का भाग जितनी बार गया उतना तो लगा दिया और बच्चा उसको ऊपर लेके बटेवा में 11 लिख दिया, माइनस को अंदर बाहर ले लिया, कोष्टक लगा के 229 डिग्री लिखा, प्लस एक बटेवा जो 11 डिग्री है इसको अलग लिख दिया। एक डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं तो एक बटेवा 11 में कितने होंगे, एक बटेवा 11 इंटू 60 आर्क मिनट, ठीक है। फिर इसको वैसा वैसा ही लिखो, प्लस प्लस एक इंटू 60 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट होगा बटेवा में 11, 60 का 11 में 11 का जो भाग है 60 में कितनी बार, इसको तो वैसा ही चलने दिया, 11 का भाग 60 में कितनी बार गया, 5 बार, और बचा कितना 11 5 55, तो 5 बचा तो ये 5 बटेवा 11 हो गया, 5 को भी अलग ले लिया, ये आर्क मिनट में चल रहा है, प्लस 5 बटेवा 11 आर्क मिनट है, तो एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते, तो वापस 60 से गुणा कराओ तो डबल साइन आ जाएगा आपकी बार, और ये 5 इंटू 60 हो गए 300, 300 में 11 का भाग जाता ही नहीं है तो माइनस का, तो माइनस 229 और डिग्री 5 आर्क मिनट और 300 बटेवा 11 आर्क सेकंड। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।